वालेकुम गाइस, वेलकम बैक एंड जान दोस्तों। तो आज हमने व्लॉग किया है, क्या बोलते हैं, गाड़ी में से शुरू, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, शादी है एक हमारे गांव में किसी दोस्त की, तो मैं जा रहा हूँ और हमारे साथ है क्या बोलते हैं सैमुनीर अहमद मौलाना साहब और सेठ रिजवान शेख साहब, ये खुद ड्राइव कर रहे हैं और हम बैठे जा रहे हैं क्या बोलते हैं शादी पर। तो अभी जो भी बीच में इंजॉय किया या उधर की शादी हम अगर कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर हुई तो वो भी आपको दिखाएंगे, नहीं तो यहाँ के सीन्स और नज़ारे एंजॉय करते चलो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शादी से हो गए हैं फारग और मैंने जब एकदम बोला तो ये भाई डर गए, तो अभी इनसे हम साईयों से और रिजान भाई से रिव्यू लेते हैं कि शादी आपको कैसे लगी, खाना कैसा लगा। जहाँ तो सबसे पहले हमारा आलम साहब बताएगा, साई मुनीर अहमद राव साई आप बताओगे आपको कैसा लगा खाना, मज़ा था नहीं? माशाल्लाह खाना अच्छा था। क्या क्या मिला खाने में आपको? खाने में रोटी थी और लाल चावल थे मीठे। गाइस सब बातें अच्छी, हम मैं और शेख साहब साथ में बैठे थे, साई और किसी और के साथ में बैठा था, पर एक सीन बताऊँ, जब बंदे ने पीस रखे ना तो पीस साई वाली प्लेट में तीन रख दिए। मैं देख के परेशान, मैंने कहा यार हमने कौन सा कसूर किया है, हमें एक एक दे रहे हैं और साई। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि उनको पता है कि मौलाना साहब कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, तो उसने उस हिसाब से तीन दे दिए साई वालों। सही सही बात है या नहीं? हाँ माशाल्लाह उसने तीन नहीं चार तो मेरी प्लेट में रखे चार। अच्छा गाइस तो फिर रिजवान भाई आप बताओ कैसा लगा आपको खाना? माशाल्लाह खाना अच्छा था बहुत। शादी में कुछ और कुछ नई चीज़ बताओ, या कुछ थी या कुछ नहीं होनी चाहिए? बस जो भी था अच्छा था। अच्छा था, ये हमारे दोस्त की थी, क्या बोलते हैं शादी थी क्या, वो उधर से बेचारा चल के हमें आया था दावा देने, तो हमने कहा हमें लाजमी जाना था, तो ये शेख साहब की गाड़ी है, तो हमने क्या हम जाके खाना भी खा के आते हैं, और अभी हम फिर जा रहे हैं भिक्षा के क्या बोलते हैं रूट पे। आप देख सकते हो ये भिक्षा का रास्ता है, एंट्री हमारी हो गई है इसी रास्ते में, और मैं ज़िंदगी में ये कौन सा तकरीबन दूसरी बार जा रहा हूँ, आज से पहले गया था तकरीबन 8-9 साल तकरीबन पहले, तो मुझे अभी कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, क्या क्या दुआएँ मांगनी है, तो ये दोनों साई और रुझान पुराने नहीं भिटाइप के लिए बोलते हैं ना जो मुर्दे होते, उनके लिए भी बंदा दुआ मांगते हैं, हाँ तो उनके लिए जाके हम क्या बोलते हैं कुल पढ़ेंगे, उनको दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी मकफरत फरमाए। तो अभी चलते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी शादी है किसी की, शादी हाल है, ये भी शादी हाल है आला का, पता नहीं भिक्षा नहीं सॉरी भिक्षा का शादी हाल है। तो क्या बोलते हो साई चलेंगे दोबारा डबल कर लेंगे? नहीं आए तो हैं वैसे खाना खाने, फुल नहीं, चलो फिर नेक्स्ट में वापसी में खाएंगे। सर साहब खाओगे वापसी में ना? नहीं भाई मैं फुल हो गया। भिक्षा का मशहूर चौक है तंबूरा चौक, हमारे सिंधी में तो तंबूरा बोलते हैं, उर्दू में तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या बोलते हैं तंबूरा चौक। तो गाइस अभी हम आ गए हैं क्या बोलते हैं भिक्षा में पार्किंग की क्या बोलते हैं एरिया में, अभी यहाँ पे हम गाड़ी पार्किंग करेंगे, भाई एक कर रहा है और उसके बाद हम भी करेंगे और फिर देखते हैं, पता नहीं यहाँ के पार्किंग मेरे ख्याल से पैसे हर जगह पर कमाइए भाई लोगों। पार्किंग हमारे साथ Yeah.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول اللہ علیم اعلی عالم جو دھڑی قادر پنجی قدرت سے قائم آہ قدیم والی واحد وحدہو رازق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چئی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جو جوڑے جوڑ جہان جی چڑھیں جو جائیں خاون خاص خلقے محمد مکائیں کلموں تیں کریمت چٹو چایائیں انا مولاک بانت محبوبی این اتائیں لکھے دنائیں بئی سراؤں سید جے جوڑے جوڑ جہان جی پان کے آئیں پروار حامی ہادی ہاشمی سرداراں سردار سہیں صحابن ستھ میں منج مسجد منیاں دار چاری چنگا چودھار ہوا ہے کاندا حبیب سے وحدہ لا شریک لہ چئی چوندو آ فرد واجب تو آپ کا جب بھی ادھر سیدھا بس بائی پاس کھانا ہو تو انکل کے ساتھ ملو. انکل آپ اپنا نام بتائیں. تو آپ جب بھی آؤ گے ان شاء اللہ آپ کو کیا بولتے ہیں میرے نام سے تو بھائی بھائی ویڈیو والے دیکھ کے ہم آئیں تو آپ سے ان شاء اللہ رائڈ کرے گا. تو سندھی چوک پہ کلچر بھی ادھر ہے وہ جو مولانا مسجد کی چوک ہے وہ بھی آپ کو ادھر مل جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم گائز. ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں. کیوں اگر آپ کو ٹوپی میری صحیح لگے اس میں صحیح دکھ رہا ہوں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور ابھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ رکھیں اپنا خیال مجھے دیجیے. السلام علیکم.